नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेना भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग ए की कविता वे आंखें, जिसकी रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। अब रचना को पढ़ने से पहले आपको बताएं, हम पहले कवि के बारे में जानते हैं। जो कवि है उनके जन्म, मृत्यु और उसी के साहित्य से संबंधित चर्चाओं में वार्तालाप करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। आपको पता है ये जानना क्यों आवश्यक है? ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ कवि जो है वो कौन किन परिस्थितियों में रहकर के अपनी रचनाओं को लिखता था। तो आइए जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है वो 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इनके पिताजी का नाम गंगाधर पंत और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माताजी का निधन हो गया था। पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। पंत 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त था। बचपन में इनका क्या नाम था? गोसाई दत्त। पंत को यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही पंत ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। अब सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान देने वाले हैं। भारत भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज और सुधार के कार्य किए, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि। ये तीनों छायावाद जो है हिंदी साहित्य का, तीसरा युग जो है आधुनिक युग का, उस छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें चौथा नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत जी का। कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आप हम बताएं तो हिंदी साहित्य की कल्पना इनके बिना नहीं की जा सकती है। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उन्होंने ग्रामश्री नामक कविता भी लिखी है। ग्रामश्री है मतलब जिस क्षेत्र से संबंध रखते थे। कौसानी जो प्रदेश है वो उत्तराखंड का इतना सुंदर जिला है कि वहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। तो प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन इन्होंने बहुत अच्छा किया है और आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता में इन्होंने गांव के मार्मिक दृश्य का वर्णन किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन कैसा था? पंत जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से पूरी की। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 18 वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी जी का साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। पंत फिर कभी अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर सके, लेकिन घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन जारी रखा। 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। वर्ष 1926-27 में पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ, जिसके गीत सौंदर्यता और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय बाद वे अल्मोड़ा आ गए, जहां वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए थे। वर्ष 1938 में पंत जी रूपाभ नाम का एक मासिक पत्र शुरू किया। वर्ष 1955 से 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य कृतियां, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं, जैसे ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत समय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संकलित है, जो 1918 से 1924 तक लिखी गई और ये 32 कविताओं का संग्रह है। पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए इनकी बुझ गया। सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि माना जाता है। अब ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनकी जो रचना हम पढ़ने जा रहे हैं वे आंखें, ये कविता में क्या बताया गया है? हमने परिचय पढ़ा, परिचय हमने देखा कि इन्हें युग प्रवर्तक माना गया है।
कौन सा साहित्य का? नई कविता। अब ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो कविता लिखी है वे आंखें, इस कविता के अंदर इन्होंने जो ग्रामीण परिवेश है, प्रगतिवादी युग जो था, प्रगतिवादी काव्य में, प्रगतिवादी युग में जो रचनाएं लिखी गई वो सब समय घटनाओं को प्रदर्शित करती थी। अर्थात उस समय समाज में कैसी चीजें हो रही है, वहां परिस्थिति क्या है, उन परिस्थितियों का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो वे आपकी कविता जो है वह एक ऐसे कृषक की कहानी है, एक ऐसे किसान वर्ग की कहानी आप मानिए, जैसा प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में उन्होंने वर्णन मार्मिक चित्रण किया है गांव के परिवेश का, किसान की कैसी स्थिति होती है, वो किन परिस्थितियों में जीवन यापन करता है, कैसे वो गाय दान करने की जो इच्छा होती है वो अंतिम इच्छा वो उसकी मृत्यु तक भी उसकी पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही क्यों, क्योंकि वो कर्जों में दबा हुआ होता है, वो बहुत सारी सामाजिक जो सामाजिकता है उस समय जो ऊंच नीच का भेदभाव होता था, कृषक और जमींदार के बीच में जो दूरियां होती थी उनका भरपूर वर्णन गोदान में उन्होंने किया है प्रेमचंद जी ने। तो उसी का मार्मिक चित्रण, किसका? कृषक परिवेश का, जो गांव में किसानों की परिस्थिति होती है उसी का वर्णन यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता के अंदर किया है। तो वे आंखें, यहाँ वे आंखें किसका प्रतीक है? वे आंखें किसान की आंखों का प्रतीक है। कैसे किसान जमींदारों के बोझ तले दबा हुआ है, उसका शोषण किया जा रहा है और उस शोषण का ही वर्णन कवि ने इस कविता के अंतर्गत किया है। तो प्रगतिवाद जो था, प्रगतिवाद के अंदर कवियों ने समसामयिक समस्याओं को अपना विषय बनाया। उसी समय जो ये कविता है वे आंखें, इसके अंदर भी कृषक वर्ग जो है वो जमींदारों के शोषण से त्रस्त है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का यहाँ पर ये आग्रह कर रहे हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। जैसे किसी पंक्ति की कविता है, किसी कवि की पंक्तियां हैं कि भूखों को, श्वानों को तो मिलती दूध और रोटी, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। अर्थात वो समय वो था कि जब जो श्वान अर्थात जो कुत्ते होते थे बड़े घरों में, कुलीन घरों में जो कुत्ते होते थे उनको पेट भर के दूध और रोटी मिलती थी, लेकिन जो बेचारे निम्न वर्ग के लोग होते थे, गरीब वर्ग के जो लोग होते थे, उन्हें एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिलता था। उन जो कुलीन वर्ग थे उनके पास रहने के लिए आलीशान बंगले होते थे, अच्छे अच्छे रजाई गद्दे होते थे सर्दी की रातों को बिताने के लिए, लेकिन जो निम्न वर्ग जो होता है, जो गरीब वर्ग जो होता है, उनके पास में मात्र माँ की छाती से चिपकने के अलावा और कोई सर्दी से बचने का उपाय नहीं होता है। वो सर्दी से बचने के लिए, शीत के प्रकोप से बचने के लिए अपनी माँ की छाती से चिपक करके उस जाड़े की रातों को व्यतीत करते हैं। जैसा कि आपने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात में भी पढ़ा होगा, पूस की रात में वो जो नायक होता है वो एक कंबल, एक रजाई खरीदने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करता है, वो पाई पाई बचाता है कि वो खेत की रक्षा के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए रात को जब वो सोने के लिए जाता है तो उसके पास अच्छा सा कंबल हो ओढ़ने के लिए, रात को बिताने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आंखें। वे आंखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अर्थात यहाँ कवि वर्णन कर रहा है, क्या वर्णन कर रहा है कवि, यहाँ देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार यानी अंधेरा, अंधकार यानी कि अंधेरा, यानी जो किसान है उस किसान की आंखों से कवि को डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसकी आंखें अंधेरी गुफा के समान है, जैसे अंधेरे अंधेरे से भरी गुफा में जाने पर डर लगता है, वैसे ही कवि को किसान की आंखों में देखने से डर लग रहा है, क्योंकि उनकी आंखों में भरा दूर तक दारुण उनमें दैन्य दुख का नीरव रोदन, क्योंकि उनमें दूर तक दारुणता भरी हुई है, दैन्य दीनता भरी हुई है, दुख भरा हुआ है और भरा हुआ है बहुत सारा रोदन विलाप, यानी इतना दुख भरा हुआ है उसकी आंखों में कि कवि को बहुत डर लग रहा है, वो उसका मन डर रहा है, घबरा रहा है किसान की आंखों में देखने से। ठीक है, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज सन सार कगार सदृश वह किसका। अर्थात यहां पर कवि बता रहा है कि
था। पहले वो जो किसान था वो बहुत स्वाधीन था, स्वाधीन यानी अपनी मर्जी का मालिक था वो, अपनी मर्जी का मालिक था वो, जैसा चाहता था वो वैसा करता था। अभिमान भरा आंखों में उसके, उसकी आंखों में क्या भरा हुआ था? अभिमान भरा हुआ था, गर्व से उसकी आंखें चमकती थी। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार पर विश्व किसका, कि आज जो संसार है उस कृषक वर्ग को बहुत तुल्य मानता है, बहुत नीचा मानता है। तो नीचा निम्न मानने के कारण आज संसार जो है छोड़कर कहां चला गया? किनारे चला गया, उसे बीच मझधार में उसे समस्याओं का सामना करता हुआ छोड़कर, कठिनाइयों के बीच में उसे कठिनाइयों को झेलता हुआ छोड़कर, जो संसार है जिस संसार का पालन पोषण वो करता है अपनी फसलों के माध्यम से, अपनी उपज के माध्यम से, खेतों में उगने वाले अनाज के माध्यम से, आज उस किसान को लोग, उस किसान को संसार छोड़ करके किनारे चला गया है। और वो कहां फंस गया है? बीच मझधार में वो फंस गया है। उसकी आंखें पहले अभिमान से गर्व से भरी रहती थी, लेकिन आज वो बीच मझधारों में जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे है, लहराते हुए खेत दृघों में हुआ बेदखल वह अब जिन से, हस्ती थी उनके जीवन की हरियाली जिन के तृण तृण से। अर्थात यहाँ का भी वर्णन कर रहा है कि जहाँ उसके खेत लहलहाते थे, उसकी हरी हरी फसल लहलहाती थी, अब वो उनसे बेदखल हो गया है, उसे उसके खेतों से निकाल दिया गया है। हस्ती थी उनके जीवन की हरियाली जिन 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 के तृण तृण से, यानी उस खेत में उगने वाले प्रत्येक तिनके की हरियाली, यानी उस खेत में जितनी भी फसलें लहरा रही थी उसके प्रत्येक तिनके तिनके से उसके जीवन की खुशहाली नजर आती थी, उसके जीवन की हंसी महसूस होती थी उसके खेत में। जैसे जैसे फसल लहराती थी, जैसे जैसे उसके खेत में फसलें खिलती थी, अनाज होता था, वैसे वैसे उसके जीवन में भी हरियाली छाती थी। लेकिन आज सूद खोरों के कारण, जमींदारों के कर्जे के कारण वो अपनी जमीन से बेदखल हो गया है, उसे निकाल दिया गया है। लहराते हुए खेत त्रिगों में, उसकी आंखों में वो लहलाते खेत नजर आ रहे, उसे स्मृति आ रही है उनकी, जिनके जिन खेतों में वो काम करता था, वो अपने खेतों को याद कर रहा है, जिन खेतों में वो फसलें उगाता था, अपने खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन आज विरोध के कारण, आज शोषण के कारण, आज जो जमींदार वर्ग है उनकी शोषण के कारण वो अपने खेतों से बेदखल हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अर्थात उसकी आंखों में क्या घूमा करता है? उसे याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि आंखों ही में घूमा करता, उसकी आंखों के सामने बार बार याद आ रहा है, उसकी स्मृति में बार बार आ रही है किसकी? वह उसकी आंखों का तारा, उसका बेटा था, उसकी आंखों का तारा था, सर्वाधिक प्रिय, सबसे प्यारा उसका बेटा था, जो कि कार गुनों की लाठी से जो, यानी जो सूद खोरते उनके जो आदमी होते हैं, यानी उनके अंडर में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने उसका लाठियों से मार मार कर जवानी में ही मौत के घाट उतार दिया। क्यों? किसान के बेटे ने जब उन सूद खोरों का, जमींदारों का विरोध किया, तो उस विरोध के स्वर को दबाने के लिए उन सूद खोरों ने, अर्थात उन जमींदार के आदमियों ने क्या किया? लाठियों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जवानी में ही उसे अपने बेटे को खोना पड़ा, किसे? किसान को। तो शोषण हो रहा है यहाँ किसान का, किसान ने अपने बेटे को खो दिया। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने उन जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, विद्रोह का स्वर मुखरित किया था, इस कारण से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह घुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि जो कर्जा हुआ था, जो जमींदार से कर्जा लिया था, उस कर्जे को चुकाते चुकाते आज उसका घर बिक गया, उसके पास जो भी घर था जिसमें वो रहता था वो बिक गया,
महादल ने ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, मतलब उसके पास में ना खाने के लिए कुछ है ना रहने के लिए घर है, लेकिन महाजन जो उधार देने वाले होते हैं उन्होंने, जो गांव में होते हैं महाजन वगैरह जो होते हैं, उन लोगों ने, जमींदार जो होते हैं, उन्होंने एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी ब्याज की, उन्होंने सारा पैसा वसूल कर लिया। क्यों? उस पैसे को चुकाते चुकाते किसान का घर बिक गया, उसके पास जितनी भी चीजें थी सारी बिक गई। रहने आंखों में चुभती है कुर्क भी बर्दों की जोड़ी, कि उनकी आंखों में कौन चुभ रही है, उसके पास में बर्द कहते हैं बैल को, किसे कहते हैं बैल को, कुर्क यानी नीलाम। तो अब महाजनों की आंखों में क्या चुभ रहा है, उनकी आंखों में जो किसान के पास में बैलों की जोड़ी है, ये रह रहकर चुभती है, यानी उन्हें अखरती है वो बैलों की जोड़ी जो कि अब नीलाम होने वाली है, वो अब उसकी आंखों में चुभती है। उस किसान के पास में केवल अब वही बचा है क्या, उन दो बैलों की, जो बैलों की जोड़ी है वही उनके पास में बची और वो भी उनकी आंखों में चुभ रही है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अर्थात उजरी कौन है यहाँ, उजरी सफेद रंग की गाय थी जो किसान के पास थी, उजरी एक सफेद रंग की गाय थी जो किसान के पास में थी, वो किसान के अलावा किसी और व्यक्ति को अपने पास नहीं आने देती थी दुहने के लिए। दूध दोहने का कार्य जो होता था वो केवल यहाँ पर किसान करता था, उजरी जो थी यानी जो सफेद रंग की जो गाय थी उसकी, वो किसी और को अपने पास नहीं आने देती थी। उजरी यानी होता है सफेद। उजरी उसके सिवा, उजरी के किसान के अलावा किसी को भी दूध दोहने के लिए पास में आने नहीं देती थी। अह आह भर रहा है यहाँ पर किसान, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान के आगे, किसान की आंखों के आगे उसकी स्मृति में क्या आ रहा है, उसकी सुख की खेती आ रही है, उसकी खुशहाल जीवन उसकी आंखों के आगे आ रहा है, वो सुख की खेती उसकी आंखों में आ रही है, जो अब उजड़ चुकी है, जो अब बर्बाद हो चुकी है, किसकी भेंट चढ़ चुकी है, वो जमींदारों की भेंट चढ़ चुकी है। जो किसान के जीवन में खुशहाली थी वो सारी की सारी खुशहाली उन जमींदारों के, उन कर्ज देने वालों के भेंट चढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया दो दिन बाद गई मर। अब यहाँ पर थी जो किसान है वो अपने घर की स्थिति बता रहा है, अपनी गृहस्थ जीवन की स्थिति बता रहा है कि बिना दवा और दर्पण के, बिना दवा दारू के यानी उचित चिकित्सा नहीं मिलने के कारण उसकी जो पत्नी है किसान की वो स्वर्ग सिधार जाती है। और इस बात को याद जब किसान करता है तो उसकी आंखें भर आती है। किसान की आंखें कब भर आती है, जब उसकी पत्नी उसे याद आती है, जो कि बिना परामर्श, बिना उचित, जो उसको उचित चिकित्सा नहीं मिली थी, उसे उचित उपचार नहीं मिला था, इस कारण उसकी जो पत्नी होती है वो स्वर्ग सिधार जाती है। और उसके बाद भी देख रेख के बिना दूध मुही यानी दूध पीता बच्चा, उसकी एक दूध पीती बच्ची थी जो माँ के मरने के दो दिन बाद ही मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसे उचित देखरेख नहीं मिली और उचित देखरेख ना मिलने के कारण वो जो बिना माँ की बच्ची थी वो भी स्वर्ग सिधार जाती है। इस प्रकार उसकी माँ, मतलब किसान की पत्नी और बेटी दोनों स्वर्ग को चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुए में, मरी एक दिन। अब यहाँ पर घर में जो उसका बेटा खत्म हो गया, उसके बेटा जो कारकुनों की लाठियों के भेंट चढ़ चुका है, उसकी पत्नी ही घर में शेष बची है। उस पत्नी का जो है एक दिन क्या होता है, अब यहाँ पर यह कह रहा है कि घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू यानी बेटे की पत्नी, लक्ष्मी थी, वो लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, कि वो जो बेटियां, जो बहुएं होती हैं वो लक्ष्मी रूप होती हैं। घर के अंदर बेटी जब विवाह करके, शादी करके ससुराल जाती है तो वहां पर उसे लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, लेकिन जब कम आयु में, अल्प आयु में उस लक्ष्मी के पति की हत्या हो जाती है
या वो मर जाता है तो उसी लक्ष्मी को पति की हत्यारिन का नाम दिया जाता है। आज में हमारे समाज में यह कुरीति है कि पति के मरने के बाद में जो पत्नी होती है उसको उसका दोष दिया जाता है कि तेरे कारण मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी जो किसान है वो यही बता रहा है कि हालांकि वो लक्ष्मी का रूप थी लेकिन पति के मर जाने के कारण वो क्या हो गई, पति घातिल हो गई, पति की हत्यारण उसको संज्ञा समाज ने दे दी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने और एक दिन उसको भी कोतवाल जो था थानेदार जो था उसने एक दिन पकड़ बुला लिया चोरी के इल्जामों से किसी चीज का दोष लगा करके उसे एक बार थाने में बुलाया और थाने में बुलाकर उसके साथ दुराचरण किया गया। उस दुराचरण के कारण डूब कुएं में मरी। एक दिन वो भी समाज के लोग लाज के डर से वो कुएं में डूबकर मर गई क्योंकि वो शर्मिंदा हो गई थी उस बात को लेकर के थानेदार ने जो दुराचरण किया था, इस कारण वो समाज के डर से कुएं में डूब के आत्महत्या कर लेती है। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ पर किसान की जो निम्न सोच है उसका प्रदर्शन समाज की जो निम्न जाति का समाज है उस समय का जो समाज है उसकी यहाँ पर एक झलक दिखलाई है कवि ने। क्या कहा है, खैर पैर की जूती जोरू जो पत्नी थी जो स्त्री थी उसे पैर की जूती समझा जाता था, उसे उचित स्थान नहीं दिया जाता था और ये जो निम्न मानसिकता है वो निम्न मानसिकता का संकेत यहाँ पर कवि ने यहाँ दिया है कि उस समय जो किसान है वो कह रहा है कि कोई बात नहीं पत्नी तो पैर की जूती होती है जो कि एक ना सही दूसरी आती, एक मर गई तो दूसरी से शादी कर लेती दूसरी पत्नी आ जाती लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन जवान लड़के की याद जब आती है उसे तो उसके छाती पर सांप लौटते हैं और उसकी छाती फटने लगती है अर्थात सांप लौटना यानी बहुत ज्यादा दुख होना बहुत पीड़ा होना। अब यहाँ पर बेटे की तुलना यहाँ पत्नी से की है उसने कि पत्नी तो एक मर जाती है तो दूसरी आ जाती है लेकिन जो पुत्र रत्न होता है वो पुत्र रत्न जो मेरा चला गया उसको जाने की जब सोचता है वो उसके जाने के बाद जो स्मृति आती है उसको उसकी याद आती है तो उसको याद करते ही उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं अर्थात उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है उसे बहुत दुख होता है। उसे पत्नी के मरने का गम नहीं है उसे बेटे का मरने का गम अधिक है। तो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता यहाँ पर कवि ने बताई है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब यहाँ पर जो कवि जो किसान है उसे क्या याद आ रहा है, उसे पिछले सुखों की स्मृति हो रही है उसके जो जीवन उसका बीत गया जो खुशियां थी उसके संसार में वो उसे खुशियां याद आ रही हैं और पिछले सुख की स्मृति आंखों में यानी पिछले सुख की जो यादें उसकी आंखों में आते ही पल भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है जो खुशहाली है वो उसकी आंखों में छा जाती है लेकिन कितने समय के लिए, केवल क्षण भर के लिए। तुरंत शून्य में गढ़ है चितवन और वो तुरंत यानी वो जो यादें होती है वो जो मीठी सुनहरी यादें उसकी सुनहरी यादें तीखी नोक बन के उसे चुभने लग जाती है उसे पीड़ा देने वाली हो जाती है जब वो याद करता है तो एक पल के लिए तो उसे सुकून देती है वो यादें उसकी खुशहाल जीवन की जो यादें हैं वो उसे थोड़ी देर की क्षण मात्र के लिए तो उसे खुश करती है उसे मतलब खुशहाल बनाती है लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही वो जो खुशियां है वो उड़ जाती है शून्य में चली जाती है और उसकी जो यादें हैं वो उसे तीखी नोक के समान चुभने लग जाती है उसे पीड़ा देने वाली हो जाती है। अब यहाँ पर किसान की मनोदशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है यहाँ पर कवि ने। ठीक है तो कैसे लगी आपको हमारी कविता कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।